हेलो एवरीवन। तो ये जो पिक्चर आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है अल फाजिल मी की। ये एक पर्सन स्कॉलर थे और इनका फोटो अभी आप अचानक से देख क्यों रहे हो, तो इन्हें माना जाता है फादर ऑफ अलजेब्रा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का एक सीरीज जिसमें हम डेली एक वीडियो देखेंगे। अलजेब्रा में जो हम करने वाले हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, मतलब पूरा बेसिक से शुरू करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड फैक्टराइजेशन। तो देखो अलजेब्रा जो है, इसमें बेसिक जो एक्सप्रेशन वाला बात हुआ, इसको हमने 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। पहला में तो आपको पूरा बेसिक जो आज समझना है, इसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला वीडियो आएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का वीडियो आएगा। ठीक है, ये जैसा कि अभी 25th है आज, तो 25th में हो गया पहला, 26th, 27th एंड 28th को आ गया ये वीडियोस। 29th वो आपको मिल जाएगा आइडेंटिटीज पे। ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसके बाद फिर से ये वाला जो आएगा वो आएगा 1 जून को मिलेगा आपको, और ये 3 जून को। इसके बाद फैक्टराइजेशन का सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको बस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां से आपको क्लास 8 तक के लेवल का पूरा अलजेब्रा हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अलजेब्रा के बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कर दो, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, और यहीं से एकदम बेसिक से हम पहला एकदम अलजेब्रा के लेटर्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अलजेब्रा जो वर्ड ही आया हुआ है वो आया है अल फाजिलमी के बुक अ कंपेंडियंस बुक ऑन अलजेब्रा। ठीक है, अब देखते हैं अलजेब्रा में क्या हमें यूज करना होता है। बहुत ज्यादा टेंशन रहता है कि ये वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, कौन सा क्या है। तो अब देखो, जो भी चीज हमें अननोन थी ना, उनको किसी ना किसी चीज से तो डिनोट करना था, क्योंकि आपको रियल लाइफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम लाना है, रियल लाइफ का जो चीज है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे डालना है, तो बहुत सारी चीजें अननोन होगी। उन्हीं अननोन्स को यहाँ पे वेरिएबल्स, या फिर आप कहो वेरिएबल्स बोल सकते हो, या फिर लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स से दिखाया गया, वेरिएबल्स या फिर लिटरल्स। ठीक है ना, इसके अलावा क्या था, कॉन्स्टेंट। जैसे आप लिखो 3x², तो यहाँ 3 कॉन्स्टेंट है और ये वेरिएबल। अब इन्हीं के कलेक्शन को, मतलब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को एक साथ कलेक्ट कर दिया जाए, और इनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये कुछ यूज कर दिया जाए, तो हम बोलेंगे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड लिटरल्स और वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई वन और मोर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है वो जान लेते हैं कि इनको हम क्या बोलेंगे। तो जब आपको एक टर्म दिखे, मतलब 3x²y, ये एक टर्म पढ़ेंगे, जब तक इसको एडिस प्लस या माइनस कोई एक साइन से डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, अलग नहीं रखा गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 है और इसे हम मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर 2x - 3y लिख देते हैं, या फिर 3x² + 5xy लिख देते हैं, तो यहाँ हमने दो टर्म ले लिया क्योंकि प्लस से सेपरेट हो गया, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे दो टर्म हो गया। ठीक है ना, तो ये जो वेरियस पार्ट्स है ना जिनको हम सेपरेट करेंगे प्लस और माइनस के साइन से, इन्हीं को हम टर्म्स बोलते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स 1 तो मोनोमियल, 2 तो बाइनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जब 3 हुआ तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल 3x³ + 5x² + 3y - 5, वो तो आगे थे। 4 हो गया तो मल्टीनोमियल, इसके बाद आप मल्टीनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, 4 और मोर देन 4 को मल्टीनोमियल। ठीक है, 3x² + 5x³ + 4xy + 3/x। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 4 हो जाए, 5x³ + 3/x² + 7/x³ - 7/y, यहाँ नंबर ऑफ टर्म, और प्लस चलो 9/x⁴ से स्टार्ट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म 5 हो जाए, ये भी मल्टीनोमियल हो गया। तो ठीक है, अलजेब्रा में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल किसको बोलेंगे वो समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स
और अनलाइक टर्म्स। तो देखो, लाइक टर्म्स वो होता है जिसका जो लिटरल्स है वो पूरा सेम यूज किया जाए, जैसे 5x2yz -3x2yz एंड 3/5yz x2 और 2/3zyx2। दो ये भले आगे पीछे करके लिखा हुआ है बट यूज वही हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स 3a² b, 5ab, 7ab³, तो ये अलग हो गया एक्सप्रेस। ठीक है, तो सेम डिफरेंस हो, डिफरेंट कोफिशियंट्स हो तो चलेगा। कोफिशियंट्स किसको बोलते हैं? डिफरेंस के पीछे जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट होता है उसको हम कोफिशियंट्स बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? कोफिशियंट्स। ठीक है, तो लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे बहुत काम आएगा। तो लाइक टर्म्स क्या है वो समझ गया, अनलाइक टर्म्स क्या है वो समझ में आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया है। ठीक है ना, और ये पूरा अलजेब्रा कहाँ से शुरू हुआ वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ऊपर हायर क्लासेस में जो वीडियोस है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जो अभी क्लास 10 में है बच्चे वो देख सकते हैं पॉलिनोमियल का वीडियो। अगर वो रिविजन के लिए ये सब देख रहे हो तो वो पॉलिनोमियल भी देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है। पॉलिनोमियल में भी आपको डिविजन का यूज है, जो ये सीरीज में कवर होगा ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ वीडियो में, फोर्थ वीडियो में डिविजन होगा, 28th मिल जाएगा अभी। सो कोफिशिएंट्स हो गया ये, इसके बाद आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो पॉलिनोमियल होगा एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमें पावर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी टर्म में जो पावर है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। देखो वो 7 का जो प्लेलिस्ट है उसमें एवरी मंडे 6 PM तो ये वीडियो आ ही रहा है। ठीक है, क्लास 7 वाला में उसमें इंटीजर हम पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा है और अगर ये नहीं पता हो तो वो देख सकते हो वो वीडियोस। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर जीरो रह सकता है। तो पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करने का क्या है कि पॉलिनोमियल्स हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक 3x³ +5x² +9, ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कुछ पावर्स होंगे बट वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आया। अब कुछ पॉलिनोमियल्स जो है वो बाइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, मल्टीनोमियल भी हो सकता है, लेकिन हर मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे देखो 3x³ +5x² +9x+2/x, ये मल्टीनोमियल तो है पर यहाँ एच पे पावर -1 हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में ही है कि आपका इंटीजर जो है वो मतलब वो जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। तो किसी का भी इंडेक्स जो है वो नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ नेगेटिव है, तो ये मल्टीनोमियल तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल 2 or more than 2 variables में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 8x³y² -5x²y³ -2/3xy³ +7xy -1/5, ये पॉलिनोमियल है एक्स और वाई में। यहाँ पॉलिनोमियल पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ अगर हम ऐड करें तो ये पावर 5 है मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी पावर 5 है, मतलब कितने टाइम्स वो लिटरल्स आए हैं, यहाँ 3 and 1 4 है, यहाँ 1 and 1 2 है, यानी जो हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री कहते हैं। पॉलिनोमियल पे एक सेपरेट वीडियो है, ठीक है, उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, चलो तो वो देख लेना। अगर जिसको अभी जो 10 में हो, अगर क्लास 8 में हो तो पॉलिनोमियल का वो वीडियो देखने में कोई जरूरत है नहीं, अभी 7 8 में हो तो। ठीक है, अगर कोई क्लास 10 का है, क्लास 9 का है तो वो देख सकता है। पॉलिनोमियल्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ डिग्री 1 हो, लाइक 3x+5, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, ऐसा और तरह का पॉलिनोमियल रहता है। बट यहाँ पूरा पॉलिनोमियल पे हम नहीं जा रहे हैं, बता चुका हूँ मैं कि पॉलिनोमियल के लिए अलग से तो है। तो ये बेसिक अल्जेब्रा था, ये सारा टर्म हो गया कि क्या है अल्जेब्रा में, क्या पढ़ने वाले हैं हम, और किसे वेरिएबल्स, क्या लिटरल्स है, क्या कांस्टेंट है, क्या कोफिशियंट है, बाइनोमियल क्या, मोनोमियल क्या, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या, ये हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बस आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसके बाद देखेंगे कौन सा वो बाइनोमियल ट्राइनोमियल वाला में देखेंगे कौन सा वो होगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले जब हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, होगा तो वाई लिख देंगे, नहीं होगा तो एन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है और पावर 1 है, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स पे पावर 0 है, यानी ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि पावर कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये चलेगा, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ 3 पावर 2, यहाँ पावर -1 हो गया, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है ये नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर आ गया और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ तो पावर ये 3 है 2 एंड 1, यहाँ ये पावर में नेगेटिव इंटीजर आ गया ना, xy पावर -1, तो ये नॉन नेगेटिव नहीं रह गया, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ डिग्री है 4, मतलब पावर है 4, यहाँ पावर दोनों का अगर हम ऐड कर ले तो 5 है, यहाँ 2 है, कोई भी आपको नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी पावर जब नेगेटिव नहीं मिल रहा है तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है सारे पावर्स, तो ये भी हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे कौन सा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन सा होगा। तो यहाँ देखो, किसी भी प्लस और माइनस से इसको सेपरेट नहीं किया गया है, तो ये मोनोमियल है, ठीक है। यहाँ भी किसी प्लस माइनस से नहीं सेपरेट सेपरेट किया गया है, तो ये भी मोनोमियल ही है। यहाँ एक माइनस और एक प्लस, यानी ये 1 2 3 तीन टर्म हो गया, तो ये ट्राइनोमियल है। यहाँ एक माइनस से सेपरेट, मतलब माइनस साइन से सेपरेट किया गया है, एक ही है, तो यहाँ पे हो गया ये बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ दो टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, आइडेंटिफाई विच वन इज बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, या कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। और एक पूछे चीज पूछा जाता है दैट कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इन दिस पॉलिनोमियल, तो वो लिखेंगे हम 2/5। और एक पूछ देगा कि कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 3, तो एक्स टू द पावर 3 तो इस पॉलिनोमियल के लिए बात कर रहे हैं, अगर एक्स टू द पावर 3 तो यहाँ है ही नहीं, तो नहीं है, यानी उसका कोफिशियंट 0 है, ठीक है। तो जो नहीं है उसका कोफिशियंट हम 0 बोल सकते हैं। तो पूछ सकता है एक और टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद वाला में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखने वाले हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।